आज हम यहाँ काम पर करते बल्लागुड़ा चौरस्ते के पास रहमत कॉलोनी के जाने के रास्ते पर ट्रैफिक पुलिस की जानिब से यहाँ पर जो लोग तजारत करते हैं, कारोबार करते हैं, उन्हें ज़बरदस्ती चालाना दिए गए। उन्हें कोई नोटिस नहीं, ना पहले से कोई इतला है। डायरेक्ट उनको आकर 3,000 रुपये के चालाना गरीब लोग यहाँ पर कारोबार कर रहे हैं और वो लोग पान का डब्बा या फिर जैसे मिठाई की दुकान वगैरह ऐसी है। और काफ़ी कुशादा रोड है और उस रोड के ऊपर सबसे बड़ी गलती ये है कि रोड को वेंडरिंग के बाद में पूरी तरह खुली छोड़ दिया गया। खुली छोड़ने की बिना पर वहाँ से धूल मिट्टी उड़ रही है, जिसकी बिना पर दुकानदारों ने वहाँ पर थोड़ा सा मिट्टी सीमेंट वगैरह डालकर उसे साफ किया। उस पर रोड इंक्रेचमेंट मिलकर उनको 3,000 रुपये का चालान थमा दिया गया, जिस पर गरीब आवाम काफ़ी परेशान है। हम मजलिस की नुमाइंदगी पर यहाँ पर आकर फिलहाल ये वक्त काम को रुकाए हैं और उम्मीद करते हैं कि बल्दिया के दूसरे जिम्मेदार अहदेदारान इस पर तवज्जो दें। दुकानों वालों को, मकीन वालों को पहले आप नोटिस दें, नोटिस के बाद में इंशाल्लाह ताला बराबर इंक्रोचमेंट हम नहीं चाहते हैं। रोड बड़ी करनी चाहिए, लोगों को सहूलत देनी चाहिए, लेकिन बिना नोटिस के आकर उन पर चालानत किए ये बहुत गलत है। ये बोल के बोल रहे हैं, कोई नोटिस नहीं है। तमाम लोग पहले इन्फॉर्म करें बोल के बोल रहे थे, कोई नोटिस नहीं, कुछ नहीं, डायरेक्ट आए हैं, डायरेक्ट आए सीधा आके। जबकि कई और दूसरे प्रॉब्लम भी है इस रोड के ऊपर। ये रोड इतनी बड़ी रोड, यहाँ पे रोड के ऊपर पाइप पड़े हुए हैं, पोल गिरकर पड़ा हुआ है, ट्रैफिक को जाने के लिए सही रहता, उसके लिए हम खुद कई मरतबा नुमाइंदगी किए हैं। यहाँ पर ये जो हाईवे के बाजू से रास्ता खुला गया है, इसको थोड़ा बड़ा करके एक राउंड अबाउट की तरह करने के लिए हम DCP साहब के सामने भी जैसे इसके बात किए हैं, लेकिन इसका कोई अमल नहीं हो रहा है। ये कौन सी दुकानों को चालान पड़ा इधर? अभी यहाँ पर एक पान का डब्बा है और हाईवे होटल है, फर्नीचर वाले हैं, गरीब दुकानदार हैं, उनको चालाना दिए हैं। रिटर्न करने वाले थे करीम बैग साहब, आने की वजह से थोड़ा बहुत रुक गया है और हमको कोई नोटिस नहीं दिए, कुछ नहीं दिए। सेटल ले आके चालान भरो बोल के सर, शर्ट वगैरह तोड़ देते हो, कर देते बोल के सवाल नहीं देखे। आपको कितना मारे चालान? 3,000 है। बाहर एक बॉक्स है सर, और कुछ नहीं। कहेगा पान का शॉप था आपका? पान शॉप ने सामान रखने के लिए बॉक्स है। आपकी दुकान कौन सी दुकान है? किराना स्टोर है। आपको 3,000 रुपये चालान पड़ा और चालान डालने के लोगों की तरफ करीम साहब जो आने से हम लोगों को चालान जो है ना यहाँ बच गए। अब हम बुलाते साहब आने से हम लोगों को मेहरबानी हो गई कि पूरे काम रुक गए, वरना और लोग कितने चालाना डालते थे, क्या करते थे, नोटिस नहीं, कुछ नहीं, क्या नहीं, अचानक आ गए, आके जो है ना ऐसा हमला कर दिया हम लोगों को। आके हम इंशाल्लाह ताला जाके DCP साहब से मुलाकात करेंगे या फिर ACP साहब से मिलकर ट्रैफिक के इसकी आगे कार्रवाई करेंगे। उन्होंने कहा है कि जल्द से जल्द बड़े ऑफिसरों से मिलकर ये काम करें। इंशाल्लाह ताला हम जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को इस तमाम चीज़ की इत्तला देकर आगे की कार्रवाई को लेकर चलेंगे।